उत्तर प्रदेश में इस समय पहली परीक्षा जारी है। जी हां, 7 चरणों में जो मतदान उत्तर प्रदेश के लिए होना है उसका पहले चरण का मतदान जारी है, यानी कि यूपी की पहली परीक्षा इस समय जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मैदान में 623 प्रत्याशी हैं और 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं, जहां सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि 58 सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चरण का मतदान हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही 58 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि इस मतदान के लिए सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा गया है। इसके साथ ही सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस समय किए गए हैं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए, दरअसल पहले चरण का मतदान है और आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू तो हुआ है, लेकिन लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है और इसीलिए सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर भी पहुंचना शुरू हुए। ऐसे में ये तस्वीरें आप जो है वो देख सकते हैं, किस तरह से कतारों में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है और यहां पर ढोल बजाकर मतदाताओं की ओर से इस जश्न को मनाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैराना, नोएडा, आगरा, मेरठ, जहां पर मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान इस समय हो रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे आदर्श तिवारी, हमारे संवाददाता नोएडा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श, किस तरह से उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है, क्या माहौल नोएडा में है? देखिए अवंतिका, अगर बात की जाए वोटर्स के उत्साह की, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर वोटर्स में जोश आई है। सब वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर नोएडा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 7 लाख के आसपास मतदाता हैं और इस सीट को रसूख वाली सीट माना जाता है। एक तरफ जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं पंखुड़ी पाठक को इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सुनील चौधरी को उतारा है मैदान में। ऐसे में अगर नोएडा की बात की जाए तो बीते दिनों पश्चिमी यूपी के सीट होने के साथ साथ दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ना चाहती है। लेकिन अगर इस विधानसभा के मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो जनता कह रही है कि भाई फिर चाहे बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो, फिल्म सिटी की बात हो, और इसके अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी परेशानी रही है वो है साफ पानी की, जिसके लिए आज भी कहीं ना कहीं लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि भाई हमें कब घरों में साफ पानी मिल पाएगा, पीने लायक पानी मिल पाएगा। और एक कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की एक बड़ी समस्या थी, जिस पर काफी हद तक लगाम लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है की गई है। हालांकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है अवंतिका, यहाँ बिल्कुल देखिए मुकाबला दिलचस्प है, लोगों के कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखते हुए वो वोट डालने के लिए निकले हैं। आदर्श, अगर आपकी मतदाताओं से बात हुई हो, क्योंकि आप खुद नोएडा में हैं इस समय और आपकी ओर से भी वोट डाला गया है, वहां पर मतदाताओं की ओर से इस समय क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जोश हाई नजर आ रहा है सुबह से ही। देखिए इस बार है कि मतदाता बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सुबह के समय में लोग कम निकलते हैं और शाम तक थोड़े लोग जो है वो आते हैं मतदान करने के लिए। नोएडा की अगर बात की जाए अवंतिका, तो हर बार यही उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। हालांकि कहीं ना कहीं इस मामले में नोएडा पीछे नजर आता है, भले ही ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका हो, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूर्वांचल से शहरी इलाकों में ज्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा से इस बात का इंतजार होता है कि इस बार हो सकता है कि नोएडा में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो। हालांकि अगर जनता की बात की जाए वंतिका, तो सभी का यही कहना है कि भाई हम विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं और जाति धर्म से उठकर, हालांकि अगर अवंतिका इस बात को भी समझा जाए कि अब वोटर भी खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं होता, वो भी क्लियर बताते नहीं है और इन सब के बीच सब ये कहते हैं कि भाई हमने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर लिया है, बाकी फिर ये रिजल्ट बता देगा। बिल्कुल, देखिए वोटर है जो हालांकि इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि उसका जो वोट है वो कितना कीमती है। आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिए।